रीढ़ की हड्डी में चोट लगने वाले मरीजों के लिए ISIC जैसे केंद्र खोले जाएं। जॉइंट सेक्रेटरी दिव्यांगन सशक्तिकरण विभाग। SCI दिवस 2023 के लिए इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में व्हीलचेयर रैली, नुक्कड़ नाटक, व्हीलचेयर के साथ नृत्य और मुफ्त स्वास्थ्य जांच व परामर्श दिए गए। रीढ़ की हड्डी की चोट वाले व्यक्तियों के लिए इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जैसे केंद्रों की स्थापना को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर जोर देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पर सरकार के समर्थन और प्रतिबद्धता को लेकर अपने समर्पण की पुष्टि की है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने इस विकलांग व्यक्तियों और इस क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए 2021 से 2025 तक के लिए 844 करोड़ रुपए के आवंटन पर प्रकाश डाला और कहा कि इस प्रकार की वित्तीय सहायता से ISIC जैसे केंद्रों की स्थापना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की कार्य योजना को बल मिलेगा। 5 सितंबर को विश्व स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दिवस के तहत ISIC ने जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य इस कार्यक्रम की शुरुआत की। SCI दिवस 2023 के लिए ISIC में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें व्हीलचेयर रैली, नुक्कड़ नाटक, व्हीलचेयर के साथ नृत्य और मुफ्त स्वास्थ्य जांच के साथ स्वास्थ्य संबंधित परामर्श दिए गए। इसके साथ ही व्हीलचेयर रैली में व्हीलचेयर पर सैकड़ों PWSEI के उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई जिन्हें मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ISIC में स्पाइन के चीफ डॉक्टर विकास टंडन ने मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि SCI दिवस जो हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है रीढ़ की हड्डी की चोटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम करता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि रीढ़ की हड्डी की चोट के लिए इस प्रकार के अस्पतालों के माध्यम से हम समाज में आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करते हैं। That ISIC provides, but it's a journey, it's a hope, joy that we provide in the walls of ISIC. Jo hamara USP hai, jo hum hamesha bolte hai, is that this hospital is a hospital which was made and designed by a patient for the patient. We don't really treat our patients with our knowledge and expertise, but also compassion. That was the philosophy that the center was built on, and that is the legacy that my mom and I, along with the rest of the ISIC team, are providing to the patients here. The SCI movement, every year we see that is gathering momentum, it's gathering speed, and I hope that through the media it plays a vital role in reaching out to people who are not just in the main cities but also small towns, and just spreading awareness, because SCI doesn't need only doctors and a rehab team, but it also needs the population to make them feel inclusive, to have accessibility provided to them. So I would only implore everyone, whoever is seeing this or reading this, to please reach out, ask for help, provide help through compassion, through care and through kindness. मैं इस अवसर पे यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज में ये संदेश पहुंचा सकते हैं, और ये आज का कार्यक्रम इस संदेश को पहुंचाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है कि हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनके अंदर जो विशेष क्षमताएं उपलब्ध हैं उन क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये शब्द कॉइन किया है दिव्यांगजन। तो उनकी क्षमताओं का हम पूरा देश के विकास में योगदान में इस्तेमाल किया जा सकता है एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर में। इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर का मतलब है जहाँ पे जो स्पेशली एबिल्ड हैं, जो दिव्यांगजन हैं और जो बाकी सामान्य व्यक्ति हैं जिनको हम एबिल्ड समझते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था अपने अपने वक्तव्य में कि कोई भी पूरी तरह से एबिल्ड नहीं होता, तो जहाँ साथ साथ मिलते हुए हम देश के विकास में योगदान दे सकते हैं उसका संदेश आज यहाँ मिला देखने को। चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो क्विज पूछी जा रही हो, सभी लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा नज़ारा था। SCI डे की एक बहुत महत्वता है। SCI डे का मतलब ये होता है हम ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये अपनी सोसाइटी को बताना चाहते हैं कि ये जो व्हीलचेयर यूजर्स हैं या जो 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 कि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स हैं, जो कि पैराप्लेजिक हैं, जो क्वाड्रिप्लेजिक हैं, वो हमसे अलग नहीं है और उनको भी उतना ही जीने का हक है जैसे कि हम लोगों को हक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बनाने का
सबसे बड़ा महत्व यही है कि उनको हम अपने आसपास के लोगों को समझा सकें कि हमसे अलग नहीं है, इनको भी उतना ही हक है, इनके भी उतने ही तो इसको एडवोकेट करने के लिए हमको चाहिए कि इनके लिए आसपास की जो हमारी जगहें हैं उनको एक्सेसिबल बनाया जाए ताकि हमारे ये जो जितने भी मरीज हैं वो हर जगह आ जा सके बिना किसी रोक टोक के। गवर्नमेंट पॉलिसीज को काफ़ी चेंज होना पड़ेगा, वोकेशनली इनको काफ़ी इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि इनको नौकरियां मिल सके, तभी ये इक्वलिटी आ पाएगी, नहीं तो ये हमेशा ये एक वो बना रहेगा कि ये डिसेबल्ड हैं और ये या स्पेशली एबल्ड हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसको आपस में गवर्नमेंट के थ्रू इस तरह से एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा दें ताकि ये हमारे अंदर हमारी सोसाइटी में आराम से आ सके। सर अभी भी कई गवर्नमेंट स्पेसेस होते हैं या बैंक्स होते हैं जहाँ पे भी अभी भी एक्सेसिबल नहीं है व्हीलचेयर, क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरफ कुछ ध्यान देना? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री ने एक योजना निकाली थी जिसके अंदर की सुगम्य भारत योजना थी, उसमें उसका उनका मकसद ये था कि दिल्ली और NCR में 50% गवर्नमेंट जितनी भी बॉडीज़ हैं या जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसको एक्सेसिबल बनाया जाए फॉर व्हीलचेयर यूजर्स। बट हमारा क्वेश्चन यही बात है कि 50% से हमारा काम चलेगा नहीं, हमारे को इसको ज़्यादा करना है। प्राइवेट सेक्टर में क्या लोग नौकरी नहीं करते? क्या जो मॉल्स हैं क्या वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ज़रूरी नहीं है? तो और या फिर जो tier 2, 3, 4 सिटीज़ हैं वहाँ क्या ये सब की ज़रूरत नहीं है? तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो यही हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि हम लोग पूरे भारत में इसको फैलाने की कोशिश करें।